हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे प्रॉन्स टिक्का बिरयानी। ये प्रॉन्स बिरयानी को एक नया ट्विस्ट देके बनाई जाती है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लेना है 1 kg साफ किए हुए प्रॉन्स, फिर उसमें पाउडर मसाले ऐड करने हैं, 2 tablespoon बिरयानी मसाला, 2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 tablespoon हल्दी पाउडर, 2 tablespoon धनिया जीरा पाउडर, 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर और 1 tablespoon टिक्का मसाला, 1/2 spoon आपके चॉइस का कलर, 1/2 spoon काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी नमक। फिर डालना है 1 cup दही, 1 छोटे नींबू का रस और 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें हरी मिर्ची ऑलरेडी रहती है, अगर आपके पास वैसा नहीं है तो आप अलग से 1 teaspoon हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दीजिए। अब प्रॉन्स को हमें 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखना है, फिर 1 kg बासमती चावल को धोकर भीगने रखना है 1 घंटे के लिए, और तब तक बाकी तैयारी शुरू करनी है। यहाँ पर 4 tablespoon दूध में ज़ाफ़रान भिगा कर रखना है और 1.5 tablespoon बेसन को भून के रखना है। फिर उसके बाद जो बर्तन में हम बिरयानी बनाने वाले हैं उसमें 3 tablespoon तेल और 1 tablespoon घी डालनी है। फिर सारे अच्छे गरम मसाले डालने हैं, 1 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 5 काली मिर्चें, 1 पत्थर का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल और 1 दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 1 tablespoon ज़ीरा। इन सबको तेल में डाल के अच्छे से भून लीजिए। फिर डालनी है 4 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। अब हमें प्रॉन्स को फ्राई करना है, तो हम लोग डालेंगे 2 tablespoon तेल और उसमें डालेंगे मैरिनेटेड प्रॉन्स। इसमें थोड़ी सी घी भी ऐड कीजिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। प्रॉन्स को बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाइए और उसमें से जो पानी निकलेगा उसको साइड में रख दीजिए निकाल कर। फिर इसमें जो बेसन हमने भून कर रखा था वो डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। साइड बाय साइड हम लोग चावल बॉईल करेंगे, उसके लिए हम लोग लेंगे 2 लीटर पानी, उसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच नमक और फिर डालेंगे अच्छे गरम मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 चक्री फूल, 2 लौंग, 3 काली मिर्चें, 2 इलायची, 1 दालचीनी और 1 tablespoon ज़ीरा। फिर डालनी है पुलाव पत्ती, ये मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, 1 धनिया। फिर 1 teaspoon घी डाल दीजिए और 1/2 नींबू का रस। इसको कवर करके बॉईल आने दीजिए। पानी में बॉईल आ गया है, अभी हमने जो साइड में भिगा कर चावल रखे थे वो डाल दीजिए। इन चावलों को हमें 90% पकाना है।
चावल पकने तक हम मसाला रेडी करेंगे। तो हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हम इसमें डालेंगे 2 पीसे हुए टमाटर, 1 टेबलस्पून दही और थोड़े से पाउडर्ड मसाले। मैरिनेशन में हम लोग ने ऑलरेडी मसाले डाले हैं, तो यहाँ पर थोड़े से ही मसाले डालने हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी ठीक है। फिर डाल दीजिए 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी पुदीना और मसाले को अच्छे से भून लीजिए। हमने जो प्रॉन्स का पानी साइड में रखा था अब हम वो डालेंगे। अब फाइनली फ्राइड प्रॉन्स इसमें ऐड करने हैं। क्योंकि प्रॉन्स ऑलरेडी फ्राइड है इसलिए हम उसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस डायरेक्टली लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी आप साइड में निकाल के रख दीजिए। ये हमारा फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हम बिरिस्ता डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून बिरिस्ता डाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालना है, फिर जो चावल है उनको छान कर डालना है। उनको हल्के हाथों से स्प्रेड कीजिए। फिर हमने जो ज़ाफ़रान वाला दूध साइड पर रखा था वो डालना है, उसमें का आधा डाल दीजिए। और फिर आप अगर फूड कलर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डालिए और फिर सेकेंड लेयर ग्रेवी की डालनी है। इस लेयर में भी वही स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने फर्स्ट लेयर में किए थे। थोड़ी सी घी डाल दीजिए ऊपर और काजू डाल दीजिए या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। अब हमें बिरयानी को कोयले का धुआं देना है, तो आप इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को रख दीजिए, उसके पर गरम कोयला रख दीजिए। और गरम कोयले पर जल्दी से तेल या घी डाल दीजिए। अब बिरयानी को कवर कर दीजिए। बिरयानी का जो पॉट है उसके नीचे तवा या जाली रखनी है और उसको हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट पकाना है और लो फ्लेम पर आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद आपकी बिरयानी रेडी हो गई है और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। So why don't you try this recipe? Try now. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।